रणदीप सुरजेवाला की विवादित बयान को लेकर सियासत जोरों पर है। वहीं बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने इलाक्स को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। महिला अस्मिता, आत्मसम्मान और उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने, महिलाओं को लज्जित और अपमानित करने का कांग्रेस का पुराना कल्चर है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में स्वीकारती है, इसलिए जब वह वर्षों से लंबित महिला आरक्षण की मांग को पूरा करती है तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आती है, देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाती है, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए इज्जत घर लखपति दीदी योजना लाती है। इसके विपरीत कांग्रेस हर समय देश की महिलाओं को लगातार अपमानित करती रहती है। मेरी चुनाव आयोग से ये अपील है कि इस मामले में सुरजेवाला की अमर्यादित टिप्पणी पर संज्ञान लें और उन पर कड़ी कार्रवाई करें, और केवल सुरजेवाला ही नहीं जिन्होंने हेमा मालिनी जी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करी है, उनके बल्कि कांग्रेस की महिला नेताओं ने भी बारंबार दूसरे दलों की महिला नेताओं पर टिप्पणियां करी हैं, निम्न स्तरीय की टिप्पणियां करी हैं। सुप्रिया शिनेत का मामला आप सबके सामने है, उन्होंने 25 मार्च को कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड और प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनावट के खिलाफ टिप्पणी करी थी और अपशब्द बोले थे। बदायूं से बड़ी खबर, गुरुकुल से 5 बच्चे गायब हुए। रात 12 बजे से 2 बजे के बीच में ये बच्चे गायब हुए। अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा है। बच्चों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जरीफ